नमस्ते, मैं हूं गोगो और आप लोग देख रहे हैं खेल तंत्र। आपको ये तो पता ही होगा कि टीम इंडिया को जुलाई के महीने में 3 ODI और 5 T20 मैच की सीरीज खेलने श्रीलंका जाना है। लेकिन ऐसे में आपको ये पता होगा कि सीरीज में बड़े खिलाड़ियों का नाम शामिल नहीं है। जो खिलाड़ी इंग्लैंड और टेस्ट सीरीज के लिए चुने गए हैं वो इंग्लैंड में ही रहकर प्रैक्टिस करेंगे। तो ऐसे में ना तो विराट कोहली और ना ही रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में इस टीम की कमान कौन संभालेगा। आपको साथ ही साथ ये भी बता दें कि BCCI ने इस टीम के लिए एक नए कोच को चुना है, राहुल द्रविड़ को। अब हम आपको ये बता दें कि कप्तानी की रेस में वो प्रमुख 3 खिलाड़ी कौन हो सकते हैं जो संभाल सकते हैं टीम की कमान। सबसे आगे हैं टीम के धाकड़ बल्लेबाज, सलामी बल्लेबाज शिखर धवन, जो IPL के बीच में स्थगित हो जाने के बाद भी 8 मैचों में 55 की औसत से 365 रन ठोंक चुके हैं और उन्हें 2018 में एशिया कप के लिए उप कप्तान भी चुना जा चुका है। तो हो सकता है कि इस बार सलामी बल्लेबाज को ही दे दी जाए कप्तानी। इस रेस में दूसरे नंबर पर पृथ्वी शॉ भी हो सकते हैं, क्योंकि BCCI युवा खिलाड़ियों को निखरने का चांस दे रहा है। तो हो सकता है कि पृथ्वी शॉ को टीम की कमान संभालने दी जाए। अब हम उस खिलाड़ी की बात करते हैं जो अच्छे फॉर्म में चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी उसका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में नाम शामिल नहीं हो सका, भुवनेश्वर कुमार। इस पर लोगों ने BCCI के ऊपर काफ़ी सवाल भी खड़े किए, लेकिन हम इस बात को छोड़ते हैं, अपनी बात पर आते हैं। भुवनेश्वर कुमार भी टीम की कमान संभाल सकते हैं। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ केविन विलियमसन की गैर मौजूदगी में भुवनेश्वर कुमार ने कप्तानी को संभाला है और टीम को अच्छा परफॉर्मेंस भी दिलवाया है। तो अब ये देखना होगा कि वाकई में कौन सा ऐसा खिलाड़ी होगा जिसे टीम की कमान संभालने दी जाएगी। अब हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्रिकेट की हर खबर पर अपनी नज़र रखें। आप स्वच्छ रहें, सुरक्षित रहें, अपने घर को संभाल कर रखें, मास्क लगा कर जाएं और हाँ, हाथ भी धोते रहें। अब हो गया चलने का टाइम, तो निकलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।